पहले दोस्तों आज हम बात कराने हैं उत्तराखंड अधिनियम चयन आयोग के द्वारा एक न्यू ऑफिशियल अपडेट के बारे में, जिसमें यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण जो है अपडेट जारी किया गया है आयोग के द्वारा। तो काफ़ी लंबे समय के बाद से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कार्यालय के आप करके, इसमें क्या क्या कहा गया है आयोग के द्वारा वो सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर योग्य प्रवेश भर्ती के रिगार्डिंग बताए गए हैं। ठीक है, इसमें आपके लिखित परीक्षा पेपर लीक को लेकर भी यहाँ पर जो है बात कही गई है, सारा का सारा चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है आज की डेट में, जो कि यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कहा गया है कि यहाँ पर जो विषय रखा गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में आपराधिक कदाचार युक्त कृत्यों में संलिप्तता के कारण मेसर्स RMS टेक्नो सोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ को आयोग के कार्यालय से विवर्जित डेवर किए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टेक्नो सोल्यूशन कंपनी जो कि यहाँ पे आपके कई परीक्षाएं करा चुकी थी और यहाँ पर जो है कई लोग इसमें पकड़े भी गए थे। कहा गया कि यहाँ पर जो टेक्नो सोल्यूशन यहाँ पर अधीनस्थ चयन आयोग की विभिन्न परीक्षाओं का संचालन किया गया था और आयोग द्वारा उपयुक्त सेवा प्रदाता फॉर्म के माध्यम से दिनांक 4/5/2021 को आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा और यहाँ पर 26/12/2021 को सचिवालय रक्षक पद हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक किए जाने के संदर्भ में बताया गया है कि स्पेशल टास्क फोर्स देहरादून द्वारा यहाँ पर जो है जांच प्रगति पर है और प्रश्नगत प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्पेशल टास्क फोर्स देहरादून के पत्रांक संख्या जो कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं और इनकी जांच के आधार पर जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक संख्या जो कि आप लोग देखते हैं 1/9/2022 के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो कि RMS टेक्नो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ के उपयुक्त अनियमितताओं के मामले में यहाँ पर जो है कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। और इसमें यहाँ पर बताया गया है कि इनमें जो है अब ये इनको कई लोगों को यहाँ पर जो है जेल भी भेजा जा चुका है और वर्तमान में आगे की जांच भी चल रखी है। मुकदमा भी यहाँ पर जो है विवेचना के दौरान जो है उक्त परीक्षाओं में जो है हुई गड़बड़ी के कारण जो है गिरफ्तार उपयुक्त फॉर्म के अभियुक्तगण जो कि यहाँ पर देखते हैं इनके नाम लिखे गए राजेश कुमार, ठीक है, और इनके नाम हम लिखे गए हैं। ये पूरा पूरा नाम देखते हैं, कई लोग जो है 4-5 लोग इनके गिरफ्तार किए गए हैं, 5 लोग के यहाँ पर जो है गिरफ्तारी हो चुकी है जिसमें और भर्ती में सम्मिलित किए गए थे और भी नाम लिखे गए हैं। तो इन सभी को यहाँ पर जो है बताया गया कि अब यहाँ पर कोई भी इसमें कंपनी में जो है पेपर नहीं करवा पाएगा, यही चीज़ इसमें लिखा गया है। पूरा पूरा नोटिस पढ़ सकते हैं, अभी 4 पेजों का लिखा गया है। और यहाँ पर जो है अब आपके जो यहाँ पर टेक्नो सोल्यूशन कंपनी है उसमें यहाँ पर जो है आपराधिक काफ़ी बड़े अपराध किए गए हैं ऐसा बताया गया है। और भविष्य में जो है यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित सभी कार्यों के लिए जो है हम विवर्जित यानी कि डेबर किए जाने का निर्णय लिया गया था। कोई भी यहाँ जो पेपर नहीं होगा, अब यहाँ पर फैसला ले लिया गया, जो कि यहाँ पर सुरेंद्र सिंह रावत जो कि सचिव ने यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है अभ्यर्थियों के लिए।